नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और वक्त हो चुका है 2 बजे का। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको सीधा लेकर के चलते हैं सत्ताधारी और विपक्ष के पास और सीधा उनसे जवाब मांगते हैं। और इसी कड़ी में आज का जो हमारा मुद्दा है वो है नेशनल हेराल्ड मामला। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के बाद आज सोनिया गांधी की पेशी है, जहां सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। इस पर जानकारी देने से पहले सरसरी तौर पर आपको बता दें कि आखिर नेशनल हेराल्ड मामला क्या है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। कांग्रेस ने पहले नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल को 26 जनवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38% हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फडणवीस के पास है। इसके बाद के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडिया और कांग्रेस का ऋण चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को एसोसिएट जनरल लिमिटेड ने 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया गया, यानी यंग इंडिया को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया। इस सरसरी तौर पर इस केस का मामला यह है, लेकिन राहुल गांधी से पूछताछ के वक्त भी कांग्रेसी नेताओं ने जमकर शोर मचाया था कि यह भाजपा के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं आज जब सोनिया गांधी की पेशी है तो इस पर भी तमाम प्रतिक्रिया है। इसी प्रतिक्रिया को और जानने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से सीधा मेहमान जुड़ेंगे और वो सीधा हर सवाल का जवाब देंगे। को बता दे कि ये जो केस है 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस पहले दर्ज कराया था। 2014 में कोर्ट का सोनिया राहुल को समन गया था। 2014 में ईडी ने संज्ञान लेकर इस मामले में केस दर्ज किया था। 2015 में सोनिया और राहुल को इस मामले में जमानत भी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद 2022-13 जून को पहले राउंड की पूछताछ राहुल गांधी से हुई थी। फिर 14 जून को दूसरे राउंड की पूछताछ राहुल गांधी से हुई। 15 जून को तीसरे राउंड की पूछताछ राहुल गांधी से हुई। वहीं 20 जून को चौथे राउंड की पूछताछ, वहीं 5वें राउंड की पूछताछ 21 जून को राहुल गांधी से हुई थी, जिसमें तमाम तरह की बातें निकल के आई थी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, वो घुमा फिरा रहे हैं। उसके बाद सोनिया गांधी को भी इस मामले में नोटिस गई थी। पहला नोटिस जो सोनिया गांधी को गया था वो 8 जून को गया था। वहीं दूसरा नोटिस सोनिया गांधी को 23 जून को गया था, लेकिन तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए सोनिया गांधी पेश नहीं हो पाई थी ईडी के सामने। वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी, कोविड हुआ था उन्हें, उसके दौरान उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल आज 21 जुलाई को उनकी पेशी है। इसके बीच लगातार जो कांग्रेस के नेता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो सत्याग्रह कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सत्याग्रह और प्रदर्शन उन्होंने जब राहुल गांधी की पेशी हुई थी तब भी किया था, वही ये सत्याग्रह हुआ जब अब सोनिया गांधी की पेशी है तब भी कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल निशान है ये भी लगा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी है, कि क्या डर है कांग्रेस पार्टी को, किस बात का डर है ईडी से। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सोनिया ने कहा था, इंदिरा जी की बहू हूं, नहीं किसी से डरती हूं, क्या कहेंगे आप। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा जो सवाल निशान खड़ा हो रहा है वह यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना हंगामा क्यों। लगातार पक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस गलत है इसलिए हंगामा कर रहा है, और कांग्रेस का कहना है कि छवि जो है वो खराब की जा रही है कांग्रेस की और सोनिया गांधी और राहुल गांधी। वही आज जो इसी मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम सीधा सवाल जवाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ दिवाकर मिश्रा मौजूद है, तो वही हमारे साथ कांग्रेस से मनीष शर्मा जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे दिवाकर जी, जिस तरह से लगातार सत्याग्रह हो रहा है रोडों पर, ईडी के कार्यालय के बाहर पटना में कालिक पोता गया, एक वीडियो सामने आई और सीधा सीधा सा एक इल्जाम है कांग्रेस पार्टी का आप लोगों के ऊपर कि उनकी छवि को खराब करने के लिए ये सारी जांचें हो रही हैं, क्या कहना आपका इस पर। देखिए,
देखिए कांग्रेस यह नहीं जानती है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। उसे ऐसा लगता है आज भी कि भारत उसकी सल्तनत है। अगर हम सोनिया गांधी के पति की बात करें या उनके पति राजीव गांधी की माँ की बात करें इंदिरा गांधी की, या इंदिरा जी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो इस परिवार ने ऐसा समझ रखा था कि भारत उनकी सल्तनत है और वे इस भारत के मालिक हैं। इस कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक कांग्रेस ने जो चाहा वो किया। कांग्रेस ने कहीं किसी को छोड़ा नहीं। नभ में भी भ्रष्टाचार किया, तल में भी भ्रष्टाचार किया और पाताल में भी भ्रष्टाचार किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो हमारी सल्तनत है और हम ही भारतवर्ष के मालिक हैं। परंतु जब 2014 में एक ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर आई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है, तो ऐसी स्थिति में सोनिया जी को भी जमानत करानी पड़ी। उनके ऊपर भी जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके लिए उन्हें जांच कमेटी के सामने जाना पड़ा। और ऐसे में जो भी कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है वह अत्यधिक खेदजनक है और इन लोगों को न तो न्यायपालिका पर भरोसा है, न जांच एजेंसियों पर भरोसा है, न ये भारत के लोकतंत्र को अक्षुण रखना चाहते हैं। ये 2014 से पहले की तरह भारत को अपनी सल्तनत मानते हुए या कुछ कर रहे हैं, या अत्यधिक खेदजनक है। इनके कृत्यों की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। लेकिन अगर एक वीडियो वायरल हुआ था सोनिया गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी की बहू हूँ, न डरती हूँ और न डरूंगी, उसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन क्यों? अरे भाई, लोकतंत्र में बाबा साहब का संविधान जो बन करके आया, उसमें बाबा साहब के संविधान में सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। और जब हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दी है, तो वह अगर बयान दे रही है तो इसमें कोई प्रश्न चिन्ह थोड़ी है। ये तो हमारे संविधान ने उन्हें प्रदत्त किया अधिकार, वह कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब एक ऐसी सरकार काम कर रही है कि वह चुन चुन करके भ्रष्टाचारियों को जेल के सिक्कों के अंदर करने का काम करेगी। यह समझ लेना चाहिए कांग्रेस और कांग्रेस के नुमाइंदों को। शैलेश मिश्रा जी, सबसे पहले इसके पहले आप भारतीय जनता पार्टी के इल्जामों का जवाब दें, उनके बातों का जवाब दें। सबसे पहला सवाल, जब सोनिया गांधी ने ये कहा था, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि इंदिरा गांधी की बहू हूँ, ना किसी से डरती हूँ ना मुझे कोई डर है, तो फिर ये डर कैसा? आखिर ईडी के पूछताछ से इतना बड़ा सत्याग्रह क्यों? आखिर आपके कार्यकर्ता पटना में ईडी दफ्तर के बाहर जो कालिक पोत रहे, आखिर ये सब किस लिए, किस बात का भय आप लोगों को? देखिए भाई, किसी चीज का नहीं है। जो हमारा प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से है और संविधान में जो हम लोगों का अधिकार है कि अपनी बात रखने के लिए, जो हमारी माननीय नेता सोनिया गांधी जी हैं, जो और भी नेताओं को ये जो अपने सरकारी जो इनके तंत्र हैं इनसे परेशान किया जा रहा है ताकि इनके बेरोजगारी मुद्दे, जो इनके अन्य मुद्दे हैं, उस पर सरकार लोगों को भटका सके, लोगों को इससे अलग कर सके।
सिर्फ एकमात्र मुद्दा है जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि ईडी की जांच और भी हमारे जो भी और अन्य नेताओं को राष्ट्रीय नेतृत्व को परेशान सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि अन्य जो मुद्दे हैं जो वास्तविक जिससे लोग परेशान हैं, लोगों की जिंदगी जो लोगों की दिनचर्या की भी है, जो महंगाई है, देखिए अभी दूध पे और पैकिंग पे जो इन सब चीजों पे जो महंगाई के मुद्दे हैं, इससे भटकाने के लिए एकमात्र ये सरकार एक ये कूटनीतिक राजनीति कर रही है। जी दिवाकर मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा कहना है कि महंगाई के मुद्दे और तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए यह इनका सत्याग्रह नहीं है, यह दुराग्रह है। जिन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं होता है, जिनका दामन काला होता है, वो लोग इस तरह अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और कुकृत्यों से स्वयं को बचाने के लिए इस तरह का आडंबर करते हैं। यदि ईडी ने माननीय सोनिया गांधी को बुलाया तो सोनिया गांधी को जाना है, इसमें ये आडंबर करने की क्या जरूरत, हल्ला मचाने की जरूरत क्या? अनैतिक रूप से जांच एजेंसी के ऊपर दबाव बनाने की जरूरत क्या है? इससे ये लगता है कि सोनिया जी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्रवाई हो रही है, जो इस सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उससे भयभीत होकर के यह सब स्वांग रचा जा रहा है। मैं एक बड़ी सामान्य सी बात इनके इस कृत्य पर कहना चाहता हूं कि चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, एक तो आपने भ्रष्टाचार किया नेशनल हेराल्ड के मामले में, आपने 2G स्पेक्ट्रम के मामले में, पनडुब्बी के मामले में, कोयला घोटाला, अरे न जाने कितने घोटाले आपने कर रखे हैं, और अब आप जब उसमें फंस रहे हैं तो आप इस तरह का भय दिखाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या ना तो पीछे हटने वाली है, ना आपके इस तरह के हथकंडों से भयभीत होने वाली है। आपके भ्रष्टाचार का पर्दा साफ होगा और आपके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की सजा आपको भुगतनी होगी, यह तय हो चुका है। शैलेश मिश्रा जी, क्या जवाब देंगे? तमाम तरह के भ्रष्टाचारों का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है, क्या जवाब देंगे आप? जी हैं और भी लोग हैं, ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए जो हमारा प्रदर्शन है, प्रदर्शन मात्र इसलिए है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। लेकिन शैलेश मिश्रा जी एक सवाल, पटना में जिस तरह से ईडी दफ्तर के बाहर जहां पे प्रवर्तन निदेशालय लिखा है वहां पे कालिक पोत देना, ये कहां का प्रदर्शन है, ये कहां का सत्याग्रह है? सत्याग्रह तो शांतिपूर्ण होता है, ये कहां का सत्याग्रह है कि आप लोग कालिक पोत देंगे? इस बात का जवाब दे आप। नहीं, कहीं पे हो सकता है कि भीड़ के साथ कुछ बाहर के तत्व या कोई अराजक तत्व भी शामिल हो गए होंगे, अदरवाइज आप पूरे अगर शहर को पूरे देश भर में देखेंगे तो देश भर में जो भी हमारा सत्याग्रह चल रहा है, जो भी हमारा प्रदर्शन चल रहा है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, चाहे आप जहां भी उठा के देखिए। और हमारे नेता का राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं का सिर्फ एकमात्र ये कहना है कि हमको कोई भी हिंसक वारदातें नहीं करनी है, हमें कोई भी हिंसक वो रूप नहीं लेना है और अपनी बात को बहुत ही सरल रूप से रखना है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत 2024 का ये एक एजेंडा तय हो रहा है आज की डेट से। 2024 के लिए ये एक एजेंडा धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है कि कांग्रेस की छवि को खराब किया जाए, जो कि आज कांग्रेस की स्थिति को धीरे धीरे ये लोग हर तरीके से, कभी राष्ट्रीय नेतृत्व पर, कभी राहुल जी पर, कभी प्रियंका जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत बातें बोलते हैं इनके नेता, जबकि हम लोगों की तरफ से कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ये सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो अन्य मुद्दे जिससे आज देश बहुत ही पीछे चला गया है, देश में आज संकट का माहौल है, हो सकता है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारे देश में मतलब आज उग्रता हो गई है लोगों में, लेकिन इस चीज को दबाने के लिए ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कल उनको राहुल जी को सरगना बोल रही है स्मृति ईरानी जी, इनकी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, बताइए किसी के व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिए।
चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अन्य मुद्दों को भटकाने के लिए इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसपे ये विकास की राजनीति के लिए लड़ सके। लेकिन ये तो आप इल्जाम सीधा सीधा लगा रहे हैं ना, ये तो आप इल्जाम शैलेश जी सीधा सीधा लगा रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में कांग्रेस पार्टी संलिप्त है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा कहना है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, क्या कहेंगे आप इस पर? तमाम तरह के आरोप भ्रष्टाचारों के कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं। मैडम अभी कोई भी ऐसा सिद्ध, कोई भी जो आरोप है वो सिर्फ अभी कोर्ट पे विचाराधीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तथ्य निकलेगा उस पर देखेंगे। हम लोग सिर्फ अपने जो नेता हमारे हैं उनके साथ व्यक्तिगत रूप से कोई भी उनके साथ व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो, उनके ऊपर कोई भी ऐसा आरोप राजनीति करें, लेकिन ऐसी राजनीति ना करें कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से करें। उनको व्यक्तिगत नहीं, आज सिर्फ एजेंडा ये बना रहे हैं, ये आज सिर्फ एक एजेंडा बना रहे हैं कि 2024 में कैसे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से सीधे सीधे लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में क्योंकि कांग्रेस पार्टी विकास और अन्य मुद्दों को जैसे उठा रही है उस पर ये पीछे हो जा रहे हैं। चलिए चलिए, हम सवाल करते हैं इनसे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से सीधा सीधा लड़ने के लिए कैपेबल नहीं है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इन मुद्दों को उठा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास का मुद्दा लेके रखती है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सीईडी की पूछताछ चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए कर रही है। क्या कहेंगे दिवाकर जी आप इस पर? आप ये बताइए कि अगर राष्ट्रीय स्तर का नेता बेईमानी करे, चोरी करे, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो क्या उसको किसी प्रकार की छूट देनी चाहिए? भाई राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या वार्ड स्तर का नेता हो, अगर बेईमानी करेगा तो पुलिस की चंगुल में आएगा, और पुलिस की चंगुल में आएगा तो उसको जो है भोगना ही पड़ेगा। भाई कांग्रेस के नेता जब बेईमान है, भ्रष्ट है, उनका आचरण ही जो है भ्रष्टाचार का है, कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है, तो वो चाहे राष्ट्रीय नेता हो, वार्ड का नेता हो, कोई भी हो, भाई कानून तो भारत के सबके लिए समान है ना। लेकिन दिवाकर जी एक इल्जाम लगाया अभी आपने कांग्रेस पार्टी ने, दिवाकर जी एक इल्जाम लगाया कांग्रेस पार्टी के नेता आप पर अभी, भारतीय जनता पार्टी पर, कि 2024 में आपके पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पार्टी विकास पर कार्य कर रही है, इसलिए आप कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। क्या कहना आपका इस पर, कि आपने विकास के मुद्दों का, यह कहना है कि आपने विकास के मुद्दों पर कार्य नहीं किया? देखिए अब कांग्रेस में बचा ही क्या है, जैसे नींबू निचुड़ जाता है ना, तो कांग्रेस का हाल तो निचुड़ा हुआ नींबू है या मशीन में चला हुआ गन्ना। गन्ना जब मशीन में पेरा जाता है उसके बाद जो खोखी बचती है, खोई बची है, निचुड़ा हुआ नींबू छिक्कल है, कांग्रेस बचे ही क्या है? उसको हमें कमजोर करने की जरूरत थोड़ी है, वो तो खुद ही अपने से जो है बोझ से, भ्रष्टाचार के, बेईमानी के बोझ से जो है दबी कुचली टूटी फूटी जा रही है, तो हमें कमजोर करने की क्या जरूरत है? हमें कांग्रेस को कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं, कांग्रेस का तो सूर्य अस्ताचल की ओर जा चुका है, कांग्रेस हिंदुस्तान की राजनीति में अप्रासंगिक हो गई है। जब इसकी इतनी दुर्दशा हो जाए कि वह एक सीट भी जो है ना अपनी बचा पाए, और उसकी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक एक करके चली जाएं, तो फिर कांग्रेस के मजबूत कमजोर होने का, हाँ ये जरूर है कि हिंदुस्तान की जनता ने यह जान लिया है कि इस कांग्रेस ने अपने शासन काल में देश के साथ बेईमानी की, देश के नागरिकों के साथ बेईमानी की, देश के नागरिकों को छला है, ये हिंदुस्तान की जनता जान गई है, इसीलिए वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन एक आरोप आप पर लगा है, राहुल गांधी ने सीधा ट्वीट करके लगाया है,
अभी लगभग 50 मिनट पहले एक ट्वीट राहुल गांधी का सामने है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जीएसटी पर चर्चा करो तो सदन स्थगित कर दिया जाता है, महंगाई पर चर्चा करो तो सदन स्थगित कर दिया जाता है, अग्निपथ पर चर्चा करो तो भी सदन स्थगित कर दिया जाता है, एजेंसियों का दुरुपयोग पर चर्चा करो तो भी सदन है वो स्थगित कर दिया जाता है। आज सरेआम देश की जनता की आवाज दबाई जा रही है, इस अहंकार और तानाशाही पर सत्य भारी पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इनके ट्वीट पर, जहां एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ चल रहा है, राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। देखिए राहुल गांधी अब ट्वीट करने लायक ही बचे, बाकी तो कुछ बचा नहीं है उनमें। राहुल गांधी समाप्त प्राय हैं और जहां तक उन्होंने जो भी ट्वीट में लिखा है, सरकार खुले दिल से कह रही है आइए बातचीत करिए, लेकिन ये लोग लोकसभा को दंगल बना देते हैं, मुर्दाबाद करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के ऊपर गोले बना बना करके फेंकते हैं, उनकी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तो ये लोग लोकसभा और राज्यसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। यदि उन्हें बात ही कर दी है किसी मुद्दे पर, तो सरकार खुले दिल से कह रही है लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उनपे दबाव बना रही है, प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। अरे भाई प्रदर्शन की जरूरत क्या है, किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी को ईडी ना बुलावे, क्या पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे, क्या उनके ऊपर केस ना चलाया जाए, क्या उनके भ्रष्टाचार को ना खोला जाए, बेईमानों का पर्दाफाश ना किया जाए, किस बात का सत्याग्रह है भाई जी? मैंने तो पहले ही कह दिया कि यह सत्याग्रह नहीं है, यह दुराग्रह है। अपने अपराधों से बचने का केवल उपाय मात्र है, दिवाकर जी, दिवाकर जी, शैलेश मिश्रा आपकी बातों का जवाब देंगे। शैलेश मिश्रा जी, आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से कहा कि किस चीज का प्रदर्शन है, अपराधों को और घोटालों को इनको छुपाने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में बचा क्या है, निचोड़ी हुई नींबू, सूर्यास्त हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। क्या जवाब देंगे आप इस पर? एक चीज मैं इनसे मिश्रा जी से कहना चाहता हूँ, जब गन्ना निचोड़ता है तभी उसमें मिठास निकलती है, तभी उसका रस पीने के योग्य होता है। स्थिति परिस्थिति सब उस पर डिपेंड करती है, और ये चिंता ना करें, इनके बोल अभी इनके सामने आ जाएंगे 2024 में। और ये बात कर रहे हैं व्यापम घोटाले का क्या हुआ आज तक, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी व्यापम घोटाले का इतना बड़ा उनसे जुड़ा हुआ मामला, उसका क्या हुआ आजकल, इनके रमन सिंह जी का क्या हुआ, इनके येदुरप्पा जी का क्या हुआ। अगर ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये बात करेंगे तो इनके नेता हमारे पार्टी में वो भ्रष्टाचार आदमी होता है, इनके पार्टी में जाके पता नहीं कौन सी मशीन है जिससे वो शुद्ध हो जाता है, ये ऐसा पता नहीं क्या है इनके क्या है कि वो चीज शुद्ध हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो भी प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से है, और हमारे नेतृत्व का कहना है अभी अभी विचाराधीन है मामला, इन्होंने अभी से डिक्लेयर कर दिया कि क्या नाम है ये उस मामले में दोषी है। और एक चीज मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि एक चीज आप बताइए, क्या अपनी बात रखने के लिए संविधान में हमको पूरा अधिकार है, क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? जब हमारी बात अगर संसद में नहीं सुनी जाएगी, हमारे माननीय राहुल जी की, हमारे सांसदों की, जो विपक्ष के लोग हैं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो जो संसद से बड़ा जो है वो रोड है, जनता है, जनता जनार्दन के सामने हम अपनी बात लेके आ रहे हैं कि हमारी बात कम से कम यहाँ सुनी जाए। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे नेतृत्व का कहना है कि आप आके हर मुद्दे पे बात करिए, जिस भी मुद्दे पे बात करने की बात होती है एक इनसे प्रश्न नहीं किया जाए। ये एक वो तानाशाही वाला चला रहा है एजेंडा कि इनसे अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो आप आतंकवादी हो गए, आप देश विरोधी हो गए। हम प्रश्न करना चाहते हैं, हम प्रश्न पे बात करना चाहते हैं, हम मुद्दों पे बात करना चाहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निपथ है, और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम बात करना चाहते हैं जिससे सरकार बच रही है। सरकार को आज ये ईडी को ये अध्ययन आया इनके, सोनिया गांधी जी के लिए और राहुल गांधी जी के लिए। ये कुछ नहीं, एकमात्र बीजेपी का एक एजेंडा है जिससे कि विपक्ष और प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी का
की बात दबाया जा सके और कांग्रेस पार्टी के जो भी उनका बढ़ता हुआ कदम है उसको रोड़ा बना सके और जनता के लिए जो भी जवाब उठाएगा, जो भी जनता के लिए बात करेगा, काम उसके लिए आगे आएगा, उसके लिए ईडी इनके और भी जो भी संवैधानिक जो भी इनके वो है सरकारी तंत्र है उसका ये यूज करेंगे और उसको विफल करेंगे। जी बिल्कुल, दिवाकर मिश्रा जी जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें जाकर लोग धुल के निकलते हैं? ऐसा सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस का ऐसा कहना है। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो मध्य प्रदेश का मामला उठाया तो मैं इनसे कहना चाहता हूं और सारे कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मामले में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से अगर ये लोग पूछ ले कि कैसा करारा तमाचा सिंधिया ने मारा है कांग्रेस के ऊपर तो उचित रहेगा हम उसका क्या जवाब दें। इन्हीं के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा तमाचा मारा कि मध्य प्रदेश से ये धड़ाम हो गए, तो ये उसकी बात तो मध्य प्रदेश की करे नहीं। और जहां तक ये अपने बार बार इस सत्याग्रह सत्याग्रह का उल्लेख करते हैं, अरे भाई ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया, ईडी प्रश्न कर रही है, सोनिया गांधी को जवाब देना है, तो आप पटना की सड़क पर या दिल्ली की सड़क पर आप मंजीरा क्यों बजा रहे हैं? आप ढोल ताशा लिए क्यों खड़े हुए? आप ईडी को डराने का काम क्यों कर रहे? आप न्यायपालिका के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे? भाई जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब कांग्रेस के लोग इस तरह का कृत्य करते हैं तो भारत के लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि भारत के 125 करोड़ जान जाते हैं कि दाल में काला है, यानी सोनिया और राहुल बेईमान है। जब आप हल्ला मचाओगे तो आपकी पोल जो है खुल जाएगी और जितना आप हल्ला मचाओगे देश की जनता उतना ही अच्छी तरह से जान जाएगी कि राहुल भी बेईमान है, सोनिया भी बेईमान है, कांग्रेस का एक एक नेता आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, इसीलिए कांग्रेस भी डूबती चली जा रही है। चलिए, आपने सुना शैलेश जी की किस तरह से इल्जाम लगातार कांग्रेस पार्टी पे लग रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो दौर है वो जारी है सवालों का। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट आया है, अशोक गहलोत का लाइफ है और उसमें लिखा गया है सत्य साहस सोनिया गांधी। जब सत्य साहस सोनिया गांधी लिखा गया है तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, ये प्रदर्शन नहीं है, ये एक अपनी बात, जब संसद में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जब हमारे माननीय राहुल जी हमारे जो सांसद महोदय लोग हैं उनकी जब बात नहीं सुनी जाएगी, संसद में नहीं कहने का मौका दिया जाएगा, अपनी बात को नहीं रखने का मौका दिया जाएगा, तो फिर हमारे बीच में जनता के सामने जाके अपनी बात रखने का एक माध्यम है। हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह चलाना चाहते हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए, इसको न्यूज बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी, इसको उग्र करने के लिए जो अपने वो सरकारी तंत्र को लगा के इसको हमारे इस सफल सत्याग्रह को जो विफल करना चाहती है, ये इसका एक कारण है। लेकिन जब आपने लिखा सत्य साहस सोनिया, जब आपने लिख दिया सत्य साहस सोनिया, तो कैसा सत्याग्रह, किस बात का डर आपको? नहीं, डर किसी चीज का नहीं है। अभी पूर्व में 2G स्पेक्ट्रम में वो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, उसमें कोई नहीं है। एक चीज समझिए, सिर्फ इनका मुद्दा है मुद्दों से भटकाना, आरोप लगाना। आरोप आज तक इन्होंने ये तय नहीं कर पाए हैं। आज तक किसी भी चीज पे जब भी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और भी अन्य मुद्दों को लेके, कोरोना पे लेके कभी किसी भी चीज पे प्रश्न करना चाहती है, किसी चीज पे मुद्दे पे बात करना चाहती है, तो ये तुरंत अपने सरकारी तंत्रों से विपक्ष के अन्य नेताओं को, शीर्ष नेताओं को, अन्य लोगों पे ये उसका दुरुपयोग करते हैं, अपनी एजेंसियों को, उनकी जांचें और अन्य तरीके से उनको डराना और धमकाना चाहते हैं ताकि इनकी पोल ना कोई खोल सके, ताकि ये अपनी अपनी जो एजेंडा चला रहे हैं, जो ये लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, उस एजेंडे को ये आगे कर सके। और कुल मिला के इनका एकमात्र है, इनसे कोई प्रश्न ना करे, इनसे कोई बात ना करे, जो ये कर रहे हैं सिर्फ वही सही है,
जबकि इनसे पूछा जा रहा है कि बच्चे बेचारे कल से दूध कैसे पियेंगे, दूध पे इन्होंने जीएसटी लगा दी, इन्होंने आटे पे जीएसटी लगा दी। एक चीज आप समझिए, जिस देश में दूध और इन सब चीजों पे जीएसटी लगती है वो देश क्या करेगा बताइए, वो बंदा बेचारा कहाँ से पैसा दे पाएगा। चलिए हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे शैलेश जी, हम इस मुद्दे पे भी जल्द आप लोगों से जुड़ेंगे और बिल्कुल आप लोगों की जवाबदेही बनती है और विपक्ष का हक है वो पक्ष से सवाल पूछे, लेकिन उसके पहले आज जो मुद्दा चल रहा है पूरे देश में सोनिया गांधी का, उस पे बात करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी जांच एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार अपने तंत्र के रूप में उपयोग कर रही है। क्या जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी इसका, दिवाकर मिश्रा? देखिए पहले तो अभी अशोक गहलोत जी का ट्वीट आपने पढ़ के सुनाया है, सत्य साहस सोनिया, तो मैं बताना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ का जो मध्य प्रदेश में हाल हुआ है वही अशोक गहलोत का राजस्थान में होने जा रहा है। आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं अब भविष्यवाणी कर रहा हूं। लेकिन इसका क्या जवाब देंगे आप, जो आप पे दिवाकर, जिसका क्या आप जवाब देंगे जो आप पे लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि सरकारी जांच एजेंसियों को एनडीए की सरकार अपने तंत्र के रूप में उपयोग कर रही है? देखिए ये सारी स्वायत्त शासी संस्थाएं होती हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये अपना निष्पक्ष ढंग से कार्य करती है। हाँ ये जरूर है कि पहले वो चोर को पकड़ने में जो है थोड़ी ढिलाई बरतती थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भ्रष्टाचार तो सोनिया राहुल कर चुके थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे इसलिए जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसमें जांच एजेंसियां किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ नहीं रही, वो चाहे ही कितना बड़ा नेता के हो अधिकारी तो ना हो। जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि अरे वो हमारी राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय नेता है तो क्या उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिला हुआ है कि वो चाहे जितनी बेईमानी करे, वो राष्ट्रीय नेता है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब ऐसा नहीं होगा, जो भी जांच एजेंसियां हैं वह ना तो किसी को निरपराध को छेड़ेंगी और ना ही अपराधी को छोड़ेंगी, इसीलिए सोनिया जी को भी जाना पड़ेगा जेल, राहुल जी को भी जाना पड़ेगा जेल। ये फैसला कौन करेगा दिवाकर जी की जेल कौन जाएगा? अभी तो फिलहाल पूछताछ के बाद रिपोर्ट आने दीजिए ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय की। अरे वो तो आप इस चीज को देख रही है कितनी बौखलाहट है बीजेपी में, कितनी भाजपा में बौखलाहट है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को अभी से ये खुद की अपने उसमें वो बन गए हैं संवैधानिक उस पे बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो कोर्ट हैं जो ये खुद ही अपने आप में डिसीजन लिए दे रहे हैं। अभी जांच का विषय है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, ईडी अभी अपने जवाब देगी, लेकिन देखिए अभी से ये इंटर देख लीजिए। और मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो उत्तराखंड सिंधिया जी बता रहे थे, हेलो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस आमने सामने की कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो वही एक तरफ जहां लगातार कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि जो एनडीए की सरकार है भाजपा की सरकार है वो सरकारी जांच एजेंसियों को एक तंत्र के रूप में उपयोग कर रही है, वही लगातार भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें सरकारी एजेंसियां और मजबूती से कार्य कर रही है, किसी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। और ये भी कहना है कि पहले जो जांच एजेंसियां थी वो अपराधियों को पकड़ने में ढिलाई करती थी क्योंकि मनमोहन सिंह थे तब, इसलिए सोनिया और राहुल को बचाया जा रहा था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सारी जांच एजेंसियां बहुत एक्टिव होकर कार्य कर रही है और जो भी दोषी है उसे जेल जाना पड़ेगा। फिलहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक,
हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। चार बजे करेंगे चार बड़ी खबर पर बात, पहुंचाएंगे सरकार तक जनता की आवाज, जानेंगे संवाददाता से खबर की जानकारी, सरकार भी लेगी खबर की सुध सारी। दिन भर की चार बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। चार बजे की चार बड़ी खबर देखिए चार बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्थमा हो या फिर अर्थराइटिस, डायबिटीज हो या कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट दे कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।